नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। लखनऊ के निषादगंज इलाके में रिवर फ्रंट पर एक बुलेरो कार गोमती नदी में डूब गई। बुलेरो में सवार 8 युवकों में से 4 किसी तरीके से तैरकर बाहर निकले, तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने तत्काल रात में ही SDRF व गोताखोरों की टीम को मौके पर बुला लिया। इसके बाद 3 युवकों को बाहर निकाला गया। तड़के एक युवक का शव भी पुलिस टीम ने बरामद किया। मृतक की पहचान पारा के बुद्धेश्वर निवासी 26 साल के निखिल गुप्ता के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक 8 युवक बुलेरो से बाराबंकी से बुद्धेश्वर जा रहे थे। चालक गाड़ी लेकर रात करीब 2:30 बजे रिवर फ्रंट के समतामूलक चौराहे से नदी के किनारे वाले रास्ते पे उतर गया। कुछ दूर पेपर मिल कॉलोनी के पास पहुंचने पर उकरैल नाले का पानी नदी में बह रहा था, जिसके कारण वहां CC रोड पर पानी व कीचड़ था। गाड़ी तेज रफ्तार में होने के कारण फिसल गई और सीधे नदी में जा गिरी। हादसे में गाड़ी का अगला शीशा भी टूट गया। 4 युवक किसी तरीके से गेट खोलकर बाहर निकले और पुलिस को हादसे की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने मंगलवार सुबह तक 3 लोगों को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया, जबकि 1 युवक का शव बरामद हुआ।